मेरे को बिल्कुल नहीं पूछेगी कि कितने दिनों तक ये वाले वीडियो पर रिएक्ट करेगी कि इंडिया वॉन वर्ल्ड कप, क्योंकि इसका नशा उतर नहीं रहा है मेरे सर से। यस, तो मैं रिएक्ट करने वाली हूँ ऑन इंडिया वॉन T20 वर्ल्ड कप, रोहित शर्मा फनी डांस, रोहित एंड विराट रिटायरमेंट, जडेजा ने भी अनाउंस किया रिटायरमेंट, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका 2024 वर्ल्ड कप फाइनल बाय तनय। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो मेरा मोनाली नायको, वेलकम टू माय चैनल नखे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। लेकिन मैं आपको एक प्रॉमिस करना चाहता हूँ कि रोहित शर्मा की कप्तानी में 2024 में बारबाडोस में हम जरूर भारत का झंडा गाड़ेंगे। अरे भाई ने प्रॉमिस किया झंडा गाड़ने का, तो गाड़ने का ना बिडू। लिटरली झंडा गाड़ दिया भाई बारबाडोस में, एकदम झंडा रेडी रखा था कि आज तो जीत के इसे यहीं गाड़ेंगे। ट्रॉफी उठाने के टाइम पे वो रोहित शर्मा का डांस, ये वाला ओहो हो हो। रोहित भाई स्टेज पर जाने से पहले किसी से पूछ रहे थे कि भाई साहब कौन सा स्टेप करूं, तो हमारे कुल्लू द डांसर भाई ने बोला भाई साहब ये वाला कर देना। और उसके बाद तो हमारे रोहित माइकल जैक्सन शर्मा यू 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 करते हुए ट्रॉफी लेने गए हैं। भाई मेरे को कोई रोक लो, आज मेरी एनर्जी इतनी ज्यादा निकल रही है ना, मेरे खून से तुम रेडबुल बना सकते हो। जय शाह भाई भी ऐसे दौड़ते हुए आए, मानो बोल रहे हो ये मेरा गाँव है और मैं इस गाँव का जयकांत शिकरे। ये गांव मेरा है और मैं इस गांव का जयकांत शिकरे। व्हाट अ मूवमेंट भाई, ऐसे इमोशंस निकले हम इसको वर्ड में डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते। भाई 27 रन्स चाहिए थे अफ्रीका को 28 बॉलों में। हजार में से एक मैच ऐसा होता है जिसमें ये डिफेंड हो जाए अगर अपोजिशन के पास इतने बैट्समैन बचे हो। एक टाइम पर हमारा विनिंग परसेंटेज भी 3% पर आ गया था, पर अचानक क्या मैजिक हुआ, क्या मिरेकल हुआ, ऐसा लग रहा था ये वर्ल्ड कप इंडियन टीम के लिए बना है। भाई रोहित भाई जैसे इंडिया वर्ल्ड कप जीता, इतनी जोर जोर से ग्राउंड में हाथ मारने लगे थे, दिख रहा था कितना इंपॉर्टेंट मोमेंट था उनके लिए। हार्दिक भाई गले लग रहे हैं रोते हुए, उधर कोहली भाई रो रहे हैं, फैंस इमोशनल हुए पड़े हैं बुरी तरीके से। इधर राहुल द्रविड़ को कब लास्ट टाइम हमने ऐसे सेलिब्रेट करते हुए देखा। और लास्टली मोस्ट इम्पोर्टेंट, रोहित भाई का हार्दिक भाई को पप्पी करना। अंबानी जी भी देख रहे थे कि चलो सब कुशल मंगल तरीके से हो गया वर्ल्ड कप के चक्कर में, अब इसको वन फैमिली बुला सकते हैं हम। रोहित ये अच्छा किया वेंचर, तूने हार्दिक को पप्पी देके, अपना ही भाई है यार। हाँ यार भाई तो है अपना, पर एक सेकंड वेंचर, मैंने पप्पी कब ली उसकी? अरे वो मैच जीत के इमोशनल हो गया था, तूने ही तो गाल पे पप्पी दी ना उसको। कब? और तुम लोगों ने रोका नहीं? रितिका कहाँ थी, उसने क्यों नहीं रोका? अच्छा इसीलिए मुझसे कल मुंह चढ़ाए बैठी हुई है कल से। बहन तो ऐसी चीज है तो मत भूल जाया कर। तूने कभी देखा है अनुष्का शर्मा ग्राउंड में आई हो और मैं सूर्य कुमार यादव को पप्पी दे रहा हूँ? सौरभ गांगुली ने भी मैच से पहले ही बोला था ना, रोहित शर्मा बारबाडोस के किसी ओशियन में कूद जाएगा अगर दूसरी बार वर्ल्ड कप फाइनल हार गए तो। अरे दादा आप रोहित भाई की बात कर रहे हो, मेरे खुद के यही प्लान थे, बारबाडोस की टिकट बुक थी, बस एक अच्छा सा ओशियन देख के डुबकी मार देनी थी। अरे भाई हम मैच हारे कब, 30 बॉल पे 30 रन चाहिए थे, हम शैंपेन लेने गए, लेके जब वापस आए तो इंडियन प्लेयर रो रहे थे, हमने बोला कोई बात नहीं हार जीत चलती रहती है, इट्स अ गेम, कहने लगे अबे लोलू आदमी तेरा नेक्स्ट, हम तो जीत गए। वो जब लगान मूवी वाली दीदी को मैंने देखा ना स्टेडियम में आई हुई है, तब से मेरा कॉन्फिडेंस जाग गया कि नहीं जीतेगी तो इंडिया ही। हार्दिक भाई का परफॉर्मेंस तो निकलना ही था इनको देख के, हार्दिक बॉय। जब मैच शुरू होने वाला था तो सूर्या भाई से पूछा कि क्या आपको प्रेशर फील हो रहा है, सूर्या भाई ने बोला बिल्कुल प्रेशर फील हो रहा है, पर नो प्रेशर नो फन। आइए सचिन जी बैठिए बैठिए, अब परेशान मत होइए बैठिए। वो तो अच्छा हुआ सूर्या भाई वो कैच आ गया, अब हम कह सकते हैं कि पूरी टीम ने कंट्रीब्यूट किया है। ऋषभ पंत का भाई जब थर्ड एम्पायर कैच चेक कर रहा था कि ग्राउंड से तो बॉल नहीं लगी है, हमारी बिचारी ऑडियंस गणपति बप्पा मोरिया प्रे कर रही थी, जोर जोर से चैंटिंग चल रही थी। गणपति बप्पा ने भी बोल दिया यार इस आदमी को कितनी बार बचाऊं मैं अब। एक तो हमारे विकेट्स जाते ही जा रहे थे मैच शुरू होते ही, और ऊपर से सिद्धू पाजी की कमेंट्री, रात जितनी अंधेरी होती है सवेरा उतना उजाला देता है गुरु ठोको। अरे कपिल पाजी वो अर्चना पूरन सिंह को इधर दे जाओ, इनको ले जाओ यार वो फिर भी ठीक है। तुम लोग बोल रहे थे ना भाई लाइव आ जाओ तुरंत मैच के बाद, तना भाई रोते ही रहते लाइव में, पूरे बोलते कुछ नहीं, बस रोहित भाई कोहली भाई द्रविड़ भाई करके रोना ही आता रहता। मेरा तो मन था भाई कि कल हम लोग एक मीटअप करें रात में 12 बजे, सभी भाई लोग सब्सक्राइबर लोग एक ही जगह पर मिले और चक्का जाम कर दे रात
में, तुम्हारे रात में मैसेज भी ऐसे ऐसे आ रहे थे तने भाई, एकदम कस के गले लगने का मन कर रहा है। एक वीडियो में और प्लान कर रहा हूँ यार इसी बात पे कि कुछ अच्छा सा वीडियो बनाए, क्योंकि अभी तो बस डाइजेस्ट होना स्टार्ट हुआ है कि हम लोग फाइनली जीत गए भाई 1 मिलियन सब्सक्राइबर। कर दो कमीनो, मुझे लगा था वर्ल्ड कप में हो जाएंगे पर अभी तक हुए ही नहीं है। अगर वर्ल्ड कप की ट्रॉफी के साथ साथ एक गोल्ड प्ले बटन भी आ जाएगा तुम्हारा क्या जाएगा? तुम चाहो तो आज की आज हो सकते हैं सब्सक्राइबर कंप्लीट। फटाफट सब्सक्राइब का बटन दबाओ और बेल आइकन प्रेस कर लो। क्या जवाब दूं इसका मैं भाई? भाई साहब ये सब खुशी का माहौल बनी रहा था कि उतने में पोस्ट मैच इंटरव्यू में कोहली भाई ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया और थोड़ी देर बाद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा ने भी। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तुसी जा रहे हो? तुसी ना जाओ। इन दोनों के बिना तो ऐसा लगेगा भाई इंडिया की बी टीम खेल रही है जिनको श्रीलंका टूर पे भेजा जाता था। भाई परफॉर्मेंस से हट के कोहली और रोहित भाई जो माहौल बनाते थे ना उसका कंपैरिजन ही नहीं है। ये सब इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया यार? ग्राउंड में इनका प्रेजेंस ही काफी रहता था विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हमारे रिमेनिंग बाकी के प्लेयर्स भाई, पर इन दोनों का ऑरा ही अलग था यार। इनके जैसा एंटरटेनमेंट देना ही पॉसिबल नहीं है। हाय हाय इतना सुकून। ऋषभ पंत बैटिंग में आते ही ऋषभ भाई पता है फियरलेस क्रिकेट की उम्मीद करती टीम आपसे, पर ऐसे आते ही यार कम से कम बॉल से तो खेल लिया करो, एक दो बार पहले स्टंप से कभी बैट फेंक देते। नवजोत सिंह सिद्धू टीम के लौड़े लगे हुए हैं और तेरी शायरी खत्म नहीं हो रही। कल सिद्धू पाजी को ज्यादा गालियां पड़ जाती अगर टीम हार जाती तो, क्योंकि इनका वही चल रहा था रात के बाद ही तो सवेरा होता है, रात के बाद ही तो सवेरा होता। अरे भाई साहब विकेट जाए जा रहे हैं हमारे। ऑस्ट्रेलिया से बदला डन, इंग्लैंड से बदला डन, साउथ अफ्रीका से पुराना कुछ पंगा है क्या? गांधी जी को ट्रेन से फेंक दिया था, मतलब भैया तुमको पंगे ढूंढना जरूरी है ताकि आग लगा लगा के हम लोग बदला क्रिएट कर सके। ऋषभ पंत सर बिलीव मी सर इंडिया वुड हैव स्कोर्ड 300 इफ आई हैड प्लेड द फाइनल। ये ऋषभ पंत ने आपकी अदालत में बोला था अगर मैं खेलता ना फाइनल वो ऑस्ट्रेलिया वाला तो 300 रन बनाता। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका फैंस, हमारी टीम ने 13 साल से वर्ल्ड कप नहीं जीता, साउथ अफ्रीकन फैंस हमारी टीम ने तो कभी नहीं जीता, फिर भी भाई बेचारी साउथ अफ्रीका ने कुर्बानी दे दी हम लोगों के 13 साल के लिए। विश्वास कर भाई हम दोनों मुश्किल में कभी धोखा नहीं देंगे। वो तो सूर्या भाई ने कैच पकड़ के इकलौते पंत भाई को खड़ा कर दिया, क्या इसको बोलो भाई जो बोलना है। विराट कोहली इन द वर्ल्ड कप फाइनल, जब समय आएगा तब सबसे बड़ा परफॉर्मेंस हम ही देंगे। चीकू भैया अपना परफॉर्मेंस बचा के रखा था फाइनल के लिए। अरे ये नो बॉल और वाइड बॉल कौन डाल रहा है? हमारा 12th मैन जय शाह भाई। हम ज्यादा गरीब हैं इंडिया साउथ अफ्रीका है, हेलो तुमसे ज्यादा गरीब हम हैं भाई साहब। दोनों ने चोक करने की पूरी कोशिश करी पर साउथ अफ्रीका जीत गया। भगवान मेरे सारे बुरे कर्मों की सजा आप साउथ अफ्रीका को देना। भगवान भी लाइक ये कौन सा हिसाब हुआ बे, तुझे खिला तो लेता संजू लेकिन धोनी भाई नाराज हो जाएंगे दुबे को बाहर किया तो। संजू भाई की भी लाइफ डिफिकल्ट है। अनुष्का शर्मा हाँ हट रही हूँ साइड में ये तुम अब समझ ही जाओ क्या मीम होगा इसके आगे का। जसप्रीत बुमराह ओहो हो सेम एनर्जी। संजना भाभी हट जाओ हम मैं नहीं बोलूंगा भाई। अक्षर पटेल थैंक यू बापू थैंक यू। अक्षर भाई ने क्या इनिंग खेली भाई, वो अगर ओवर 24 रन वाला नहीं पड़ता ना तो कल अक्षर भाई एकदम यहाँ बिठाती पब्लिक। रोहित शर्मा टू ऋषभ पंत आपकी अदालत में बहुत बोल रहा था क्या हुआ? बस निकल गया वहां। आई हैव सीन गॉड He balls whenever asked and wins matches for India. भाई इस मजाक से हट के सच में अगर सचिन पाजी को गॉड कहा जाता है ना बैटिंग का तो इसको बॉलिंग का कह सकते हैं बुमराह को बहुत इजीली, क्योंकि मेरे को नहीं लगता आज तक इंडिया की हिस्ट्री में इतना बढ़िया बॉलर आया होगा। अब नेक्स्ट आईसीसी ट्रॉफी सीधा 2034 में आएगी। सालों के तरह हरामी हो। वैसे तो यार रोहित भाई और कोहली भाई के बिना सच में भी ये हो सकता है कि अब सीधे 10 साल बाद ही आए। हाउ आई स्लीप्स नोइंग दैट इंडिया वन द वर्ल्ड कप। पर पैतल इसका उल्टा हो गया था, नींद नहीं आई यार। इतनी ज्यादा खुशी थी, इतनी ज्यादा खुशी थी सारी सी। रोहित शर्मा लुकिंग एट केशव महाराज गलत देश का हिंदू जाग गया ब्रो। अ जेंटल रिमाइंडर योर चाइल्डहुड एंडेड। भाई साहब कल जब वर्ल्ड कप जीते तो पहले तो कोहली भाई ने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया था, वो तो फिर भी एक्सपेक्टेड था। फिर थोड़े देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, वहां पर रोहित भाई बोलते हैं मेरा भी लास्ट है भाई, वहां पे दिमाग खराब हो गया। फिर मतलब एक साथ दोनों का जाना भाई साहब थोड़ा रुक जाते यार, मतलब बाद में जिम्बाब्वे वाली सीरीज में बोल देते कि हमको नहीं खेलना,
मतलब ऐसे झटके मत दो यार साथ में। वॉचिंग फर्स्ट ओवर, वॉचिंग सेकेंड ओवर, फर्स्ट ओवर, भाई हमारे 8 बॉलों में शुरू के 23 रन थे, उसके बाद लगातार 2 विकेट चले गए, पता नहीं कहां से कहां पहुंच गया मैच। इतनी खुशी, इतनी खुशी, हार्दिक भाई की लाइफ सेट हो गई है भाई। जयशा भाई, द लॉर्ड जयशा भाई से हग मिल गया, और द ग्रेटेस्ट रोहित भाई से पप्पी। स्मृति मंदना, मैं सेंचुरी मारूंगी बहन। शेफाली वर्मा, तुम्हें डबल सेंचुरी मारूंगी। सूर्या, मैं 3 रन बनाऊंगा। ऋषभ, तुम्हें 0 लिख ले। लड़कों की लाइफ अलग चल रही है भाई। खैर यार, आज की वीडियो के लिए इतना ही। बाकी सब भाई मचाते रहो, सबने पूरे करते रहो, और इस भाई को मत भूल जाना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन प्रेस कर दे। यस, ये रिटायरमेंट वाली चीजें सुन के ऐसा हो गया था कि बहुत ऐसा लगा इमोशनल कि क्या है टीम। बट यू नो व्हाट, लाइक धोनी के टाइम पे भी ऐसा लगा कि धोनी मतलब ऐसे थे और अब क्या होगा। बट देन वी हैड विराट कोहली, देन वी हैड रोहित शर्मा, तो माइट बी हो सकता है। अब तक तो मेरे को ऐसा कोई लगा नहीं लाइक जस्ट लाइक विराट कोहली और रोहित शर्मा के जैसे कोई है, बट कुछ भी हो सकता है, नो डाउट, क्योंकि चांसेस तो लोगों को, दूसरों को भी देना मतलब होता ही है, ये तो लाइफ है यार, रिटायरमेंट होना ही है करके। बट उसके लिए हम रेडी नहीं थे, कहीं ना कहीं विराट कोहली का थोड़ा सा डाउटफुल था। बट उसके बाद तुरंत रोहित शर्मा, जडेजा ने भी बोल दिया, मतलब ऐसे क्या बोलूं मैं, मतलब मेरे को फील नहीं आ रहा अभी वो टीम का, बोल रहे ना उस तरीके का। पर एनीवेज, मैं जिस स्माइल के साथ सोई कर रहा, टोटली सिर्फ वो ही सोच रही थी सुबह उठने के बाद भी। सिर्फ अगर सूर्य कुमार यादव ने वो कैच नहीं पकड़ा होता ना, तो अलग ही चीज होती। एंड अक्षर पटेल ने अगर वो अपने ओवर में इतने सारे रन नहीं दिए होते, तब भी उनकी तो जय जय कार होती थी क्या कल, नो डाउट। बट एनीवेज, सब लोगों ने अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूट किया है एंड हम फाइनली जीत गए हैं। एंड उसका नशा लिटरली उतर नहीं रहा है मेरे दिमाग से या कहीं से भी, एंड दैट्स द रीजन ये रिएक्शन वीडियो आएगा एक दिन दो दिन के बाद, जो भी हो। मैच हम परसों जीते, अभी तक, हाँ अभी तक, क्यों नहीं होना चाहिए, मेहनत लगी यार जीतने में, पता है ना पिछला दुख याद है ना अभी तक, क्या भूल गए हो, कैसा सदमा था वो। यहाँ पे भी सदमा बैठ ही रहा था, और विकेट गए, फिर वो रन्स भी ऐसे, चलो एक 170 को तो क्रॉस किया, फिर उसके बाद ऐसे लोग इनके बैट्समैन जो धड़ाधड़ मार रहे, विकेट विकेट यार कौन जाएगा, सच्ची में बुमराह यार खतरनाक, मतलब बहुत धड़धड़ हुआ था सच्ची में, खतरनाक तरीके से हुआ था। तो यार मेरा रिएक्शन जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइस, हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल की ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत निहाल, बाय।